गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर इंद्रेश कुमार, वर्किंग एज ए PGT केमिस्ट्री लेक्चरर इन सूर्य स्कूल रिवाड़ी। चैप्टर नंबर 3, पीरियोडिक टेबल फॉर 11th क्लास। एंड टुडे माई टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट इज़ इंडिकेटेड बाई EA और डेल्टा H EG। EG का मतलब है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन और H का मतलब होता है एंथैल्पी। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ पर डेफिनेशन डिस्कस करें इसका। कल बेटा अपन लास्ट क्लास के अंदर आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑब्लिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑब्लिक आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थी। और अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सपोज आपने एक आइसोलेटेड गैसियस एटम लिया एक्स, इसमें आप जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ये हो गया एक्स नेगेटिव प्लस EA। तो ध्यान रखना, जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ध्यान रखें बेटा, एक्सेप्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन उसको छोड़कर, ठीक है। तो फर्स्टली आप जो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं किसके अंदर, आइसोलेटेड गैसेस एटम के अंदर, वो किस टाइप की प्रोसेस होगी, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, तो डेल्टा एच EG1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अब देखते हैं, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एडिशन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। देखिए कैसे, ये एक्स नेगेटिव है प्लस इलेक्ट्रॉन, दोनों नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो गए तो रिपल्सन होगा, यहाँ पर क्या बनेगा एक्स माइनस टू, तो डेल्टा एच EG क्या हो जाएगा, EG2 पॉजिटिव। तो ध्यान रखना, फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं वो जो प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन ये प्रोसेस कैसी होगी, सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हैं वो प्रोसेस कैसी होगी बेटा, एंडोथर्मिक। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऑक्सीजन लिया गैसेस के अंदर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया ओ माइनस बना, इसके लिए वैल्यू याद नहीं रखनी है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा। डेल्टा एच EG1 जो होगा वो -141 किलो जूल पर मोल होगा। ऐसे ही ओ माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन ये बन गया ओ माइनस टू, तो इसके लिए डेल्टा एच EG2 हो जाएगा +77744 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर इसके अगर नेट रिएक्शन अपन देखें तो ओ प्लस टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ओ माइनस टू, तो यहाँ पर ये वैल्यू किसमें आएगी, पॉजिटिव में आएगी, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ पोली नेगेटिव एनायन जिनके ऊपर चार्ज -1 से ज़्यादा हो, पोली नेगेटिव एनायन जैसे कि ओ माइनस टू है, एन माइनस थ्री है और सी माइनस फोर है, ये सारे प्रोसेस कैसी होंगी बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होंगी, ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं इसके फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखिए, एटॉमिक साइज जो कल बात करी थी वो ये EA इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एटॉमिक साइज के। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो कल अपन ने डिस्कस किया था EA प्रोपोर्शनल होगा जेड इफेक्टिव के, प्रोपोर्शनल होगा पॉजिटिव चार्ज, इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा किसके, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अपॉन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और फिर अपन इसी के अंदर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की बात करें तो आपको ध्यान रखना है EA ऑफ एलिमेंट्स हैविंग फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन इज वेरी लेस। जो EA होगी वो हाफ फील्ड की और फुल फील्ड की क्या होगी, कॉन्फिगरेशन की बहुत कम होगी और ऑलमोस्ट क्या होगी, जीरो। सो EA विल बी पॉजिटिव, जब बहुत कम होगी या जीरो के बराबर होगी तो EA कैसे हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो आपको ध्यान रखना है, अगर इस टाइप का एग्जांपल दे रखा हो जैसे NS1 और NP1 तो NS1 की ज़्यादा होगी, ऐसे ही NP2 और NP3 तो किसकी ज़्यादा होगी, NP2। इज दैट क्लियर। लेकिन कल मैंने आपको आयोनिक पोटेंशियल में इसका बिल्कुल रिवर्स बताया था, ये ध्यान रखना, ओके बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अपन इसका बेटा वेरिएशन देखते हैं अपन। तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बेटा सेकंड पीरियड की बात कर रहा हूँ। तो देखिए LiBbCNOF और Ne, फिर इसमें मैंने मैग्नीशियम ले लिया, इसमें मैंने फॉस्फोरस ले लिया और इसमें मैंने आर्गन ले लिया। मैंने क्यों लिया मैग्नीशियम बेटा, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 होता है, ऐसे ही ये फॉस्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर Na
Al, Si, फिर S और Cl। तो ध्यान रखें बेरिलियम और मैग्नीशियम ऑलमोस्ट जीरो, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस लेस, और आर्गन और नियोन जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फुली फिल्ड था तो ज़ीरो, ये फुली फिल्ड था तो ज़ीरो, और ये हाफ फिल्ड है तो लेस हो गई। ठीक है, तो आपको ऑर्डर याद रखना है, नियोन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, बोरोन, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, ऐसे बेटा थर्ड पीरियड के अंदर अपन देखें तो ए आर, एम जी, ए एल, एन ए, पी, एस आई, एस और सी एल। चले आगे, हाँ जी, अब अपन बात करते हैं बेटा इन ग्रुप। तो ग्रुप में ध्यान रखना, ई ए ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। देखिए जैसे ये फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है, तो फ्लोरीन 2s2 2p5 और क्लोरीन 3s2 3p5। तो ध्यान रखना फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों की अगर बात करें तो क्लोरीन की ज़्यादा होगी। कोई पूछे क्यों, तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। एक तो साइज कैसा है इसका, फ्लोरीन का स्मॉल है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन सफर मोर रिपल्सन, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा उसके अंदर, रिपल्सन होगा। ठीक है, और इन केस ऑफ अगर क्लोरीन बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज ड्यू टू लार्जर साइज, साइज ज़्यादा हो गया। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो सी एल एफ बी आर आई, वैसे तो एफ सी एल बी आर आई होता है लेकिन क्लोरीन की ज़्यादा होगी, ध्यान रखना। ऐसे ही सल्फर और ऑक्सीजन में सल्फर की ज़्यादा होगी। ठीक है, और ध्यान रखें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो कैसी होती है, लो होती है। क्यों, ड्यू टू स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन, ड्यू टू स्टेबल, जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ध्यान रखें बेटा ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है कि क्लोरीन और फ्लोरीन में किसकी ये ज़्यादा होगी, तो आंसर आएगा क्लोरीन की ज़्यादा होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक ये सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड का क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ लेता है, तो इसका ऑर्डर भी आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी हाफ फील्ड और फुल फील्ड होते हैं उनकी जीरो होती है या लेस होती है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। हाफ फील्ड की यहाँ पर लेस शो कर रखी है और फुल फील्ड की यहाँ पर जीरो जीरो शो कर रखी है। तो ये आज का टॉपिक भी वेरी इंपॉर्टेंट था अपने लिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अदर नेम इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ध्यान रखना बेटा। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।